और अगली खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां ज्वेलरी की दुकान पर चोरी का खुलासा। पुलिस ने तीन चोरों के साथ लूट का सामान किया बरामद। 446 ग्राम सोने के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। 30 लाख का बताया गया है लूटा हुआ सामान। और बड़ा बाजार सुनार गली में ये वारदात हुई थी, तो पुलिस ने 446 ग्राम सोने के आभूषण बरामद कर लिए हैं। साथ ही साथ चोरों को भी पकड़ लिया है। 30 लाख का बताया जा रहा है बरामद सोना। और ज्वेलरी की दुकान में ये चोरी हुई थी, जिसके बाद अब चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ बरामद किए गए हैं सारे सोने जो चोरी किए गए थे। फिरोजाबाद की यह घटना है, जहां ज्वेलरी की शॉप में चोरी हुई थी। जालौन से खबर आ रही है, जहां पिकनिक मनाने आई दो सगी बहनें बेतवा नदी में डूब गई। एक युवती तेज बहाव में बह गई और एक को परिजनों ने बचा लिया। सूचना पर पुलिस के साथ पहुंचे गोताखोर। कोटरा थाना क्षेत्र के सरहला घाट स्थित बेतवा नदी की यह घटना है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। एक बच्ची को बचा लिया गया था, दूसरी बच्ची बहाव में बह गई है, तेज बहाव में बह गई है, जिसकी सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। गोताखोर वहां मौजूद हैं और बच्ची को बचाने की हर वो कवायद की जा रही है। जालौन की एक खबर है, जहां बेतवा नदी में दो सगी बहनें पिकनिक मनाने गई थी और बहाव में एक बहन बह गई। और अगली खबर कानपुर से है, जहां हुंडई कार के शोरूम में 10 लाख रुपए कैश की चोरी हुई है। सुरक्षाकर्मी के तैनात होने के बावजूद बदमाशों ने की चोरी। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा इलाके की यह घटना है। तो सुरक्षाकर्मी होने के बावजूद बैंक में चोरी हो जाती है। चोरी की पूरी घटना, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। महाराजपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में हुंडई कार शोरूम से 10 लाख रुपए की चोरी होती है। सुरक्षाकर्मी की तैनाती के बावजूद ये चोरी हो जाती है और ये सारा कांड सीसीटीवी में कैद हो जाता है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा इलाके का ये मामला है। कानपुर की यह वारदात है, जहां हुंडई कार शोरूम में 10 लाख रुपए चोरी हो जाते हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। और अगली खबर ललितपुर से है, जहां ट्रैक्टर पलटने से बड़ा सड़क हादसा देखने को मिलता है। हादसे में 3 किसानों की मौके पर मौत हो गई। खेत पर बुआई करने जा रहे थे किसान। किसानों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना बार अंतर्गत ग्राम टेड़ी का मामला है ये। तो ग्राम टोडी का ये मामला है, जहां पर खेत में बुआई करते समय ट्रैक्टर पलट गई, जिसकी वजह से किसानों की मौत हो गई है। और अब जिनकी मौत हुई है, उन किसानों के घर पर मातम का माहौल है और किसानों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ललितपुर ट्रैक्टर पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।